नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम रावत हर रोज़ की तरह आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी हैं उसके कुछ यानी 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिशन कोई सा भी हो, SSC हो, NTPC हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, या जो मध्य प्रदेश की MP पुलिस हो, तो उन सब में आप के ये साइंस के क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन लेकर भी आए हैं हम, तो देखते हैं देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो यह है लैक्टिक अम्ल। दोस्तों, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उसमें लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, जो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है उसी की उपस्थिति या एकत्रित होने के कारण थकावट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह है टार्टरिक अम्ल। जो टार्टरिक अम्ल होता है दोस्तों, अंगूर में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह है ऑर्गेनोलॉजी। जो ऑंग सॉरी इस ये कुछ गलत है तो इसका होगा दोस्तों ऑन्कोलॉजी। जो ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर के अध्ययन को कहती हैं, तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे शरीर में एक ऑन्कोजीन होता है वो कैंसर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, जो तंत्रिका कोशिका है मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो यह है डेंटाइन। दोस्तों, जो मनुष्य के दांत होते हैं वह डेंटाइन के बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो यह है पैरामीशियम। दोस्तों, जो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है उसकी जो संरचना होती है हमारे पैर की चप्पल के समान होती है। केचुए में कितनी आग होती हैं? तो यह एक भी नहीं। जो केचुआ होता है उसमें एक भी आग नहीं होती है। इसके बाद, गाजर किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो विटामिन ए होगा इसका। जो गाजर है दोस्तों, वो विटामिन ए सबसे भरपूर मात्रा में उसमें पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं कि रतौंधी रोग होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो जो चावल होता है दोस्तों उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये मुख्य रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है? तो ये है 1350 ग्राम, यानी 1 किलो 350 ग्राम जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो यह है लोहा। दोस्तों, जो रक्त में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है हमारे शरीर में रक्त में पाया जाता है उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया जो कि मुख्यतः आयरन की कमी से होने वाला रोग है, और आयरन जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में पाया जाता है तो इसका स्पष्ट रूप है कि रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। इसे आयरन या इसका संकेत है Fe, तो दोनों नामों से भी जाना जाता है, लोहा आयरन टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन का उदाहरण है तो दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, या गीले आटे का खट्टा होना। तो जो एंजाइम होते हैं दोस्तों, कुछ जाइमेज या इन्वर्टेज जो एंजाइम होते हैं उन वह मुख्य रूप से भोजन का किण्वन करने का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह है पनीर। जो दोस्तों पनीर होता है ना, वह आहार जो पनीर आहार होता है मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो जो ड्रेको है वह एक उड़ने वाली छिपकली है। इसके बाद, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है?
तो दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में, और यह है किंग कोबरा। जो किंग कोबरा है एकमात्र ऐसे सांप की प्रजाति है जो कि घोंसला बनाता है। नेक्स्ट, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो यह है व्हेल शार्क। जो व्हेल शार्क होती है दोस्तों, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली होती है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो यह है प्रोटीन। दोस्तों जो दालें होती हैं वो प्रोटीन से भरपूर होती हैं, इसलिए जब डॉक्टर जो होते हैं दालों का सेवन करने की सलाह ज़्यादा देते हैं। तो दालें में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल जो होता है दोस्तों, उसके कारण जो है देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो यह है लाल रंग। जो लाल रंग होता है दोस्तों, उसका विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो यह है जे एल बेर्ड जो है, उन्होंने टेलीविज़न का जो आविष्कार है सबसे पहले किया। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों आंतरिक परावर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो ऐसा होता है उसमें कि सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण जाती हैं तो वापस वह परावर्तक जो पृष्ठ होता है उससे टकराकर वापस सघन माध्यम में ही चली जाती हैं, तो इसे आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो जो है मिथेन गैस होती है दोस्तों, जो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। दोस्तों लैक्टोमीटर जो होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इसका नाम भी लैक्टोमीटर रखा गया। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। और अगर अधातु तत्व अगर आपसे पूछे तो वो होगा ऑक्सीजन। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, मोती उसका मुख्य रूप होता है। इसके बाद, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षात्मक कवच कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं दोस्तों हमारे, वह शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इसके बाद, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पाला? तो कुत्ता। इसके बाद, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो यह है डेवी। इसके बाद, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो जो बाघ होता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो जब ध्वनि की तरंगें चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा। या डी ब्रॉग्ली जो समीकरण हुए हैं दोस्तों, लेमड़ा बराबर एच अपॉन पीवी, जब आप केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर इसका जो है पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी। तो ध्वनि की तरंगें एक तो साथ चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जो कोरोना होता है यानी किरीट, किरीट जो सूर्य का भाग होता है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट, सूर्य की किरणें कितने रंगों से मिलकर बनी होती हैं? जो सूर्य की किरणें जो होती हैं दोस्तों, 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं, यानी जो श्वेत प्रकाश भी होता है वो 7 रंगों से ही मिलकर बना होता है। यह बेंजानी पिनाला आपने सुना होगा कभी। इसके बाद, टाइपराइटर का आविष्कार या टंकण जो मशीन है उसके आविष्कारक कौन है? तो शॉल्स, जिसे टाइपराइटर का आविष्कारक कहा जाता है। इसके बाद, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम। दोस्तों जो एसीटम होती है उसको लैटिन भाषा में सिरका कहा जाता है, सॉरी सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल। जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है कपड़ों के धब्बे हटाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक। जो फंगल होते हैं दोस्तों, उनके वो जो गन्ने में लाल सड़न रोग जो उत्पन्न होती हैं वह मुख्य रूप से कवक के कारण ही पैदा होती हैं।
आम का वानस्पतिक नाम तो यह है मैंगीफेरा इंडिका। इसके बाद काफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो यह होता है जड़ों से। दोस्तों जो काफ़ी चूर्ण होता है या काफ़ी पाउडर होता है उसके साथ जो मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण होता है वो जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।